एवरीबॉडी, सो अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब अभी तक आपके एग्जाम्स जो हैं या तो ख़त्म हो चुके हैं या ख़त्म होने वाले हैं। चलिए तो अब आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये गैप का टाइम जो 11th से 12th जाने के बीच का गैप होता है ना, जब आपकी छुट्टियाँ चल रही होती हैं, उसको सो करके बिता देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी हॉबी को प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता है कि करना क्या है। चलिए आप चाहे किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, कैटेगरी ए बी या सी, डजंट मैटर, यहाँ पर मैं जो बात बोलने आई हूँ आपको वो है सबके लिए, कैटेगरी ए बी एंड सी तीनों वालों के लिए। वो ये है स्टूडेंट्स कि अभी ये जो समय मिला है, दीज आर द गोल्डन मोमेंट्स, इनको आप अच्छे से इंजॉय कर लीजिए। आपकी जो भी हॉबीज है, जो भी आपने सोचा था कि आप साल भर में करेंगे एंड बिकॉज ऑफ द टाइम कॉन्स्टेंट आप नहीं कर पाए, उन सबको कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। रीजन इज दैट 12th में बोर्ड का प्रेशर होता है, आपकी पढ़ाई अचानक से बहुत बढ़ जाती है एंड आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है अपनी हॉबीज को प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर जिसे हम बोलते हैं लेजर टाइम बहुत कम हो जाता है। एंड अगर आपने अभी तक बुक पढ़ने की हैबिट्स को डेवलप नहीं किया है तो प्लीज रीडिंग हैबिट को डेवलप करिए। एंड मैं आपको यहां पर आज एक दो बुक सजेस्ट कर रही हूं। नंबर वन बुक इज दिस, ये है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इस बुक को मैंने पढ़ा है, एक बार पूरी तरीके से इस बुक को मैंने पढ़ लिया है, इसका किंडल वर्जन भी मेरे पास है एंड दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग बुक। आपको अपना टाइम जो है इस समय इसे यूटिलाइज कर लेना चाहिए इस बुक को पढ़ने के लिए, बिलीव मी प्रैक्टिकल लाइफ में ये बुक बहुत बहुत काम आने वाली। दूसरी बुक मैं आज आपके सामने सजेस्ट कर रही हूँ वो है इकिगाई। ये बुक अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं करी है, सॉरी ये बुक मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं करी है, इसे मैं अभी पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं जितना इस बुक को पढ़ते जा रही हूँ आई एम गोइंग ऑन फॉलिंग इन लव विद दिस बुक, इट्स सच एन अमेजिंग बुक। तो सेल्फ हेल्प बुक जरूर जरूर पढ़िए स्टूडेंट। इसी कैटेगरी में बहुत सारी और बुक है जिनको मैं आपको सजेस्ट करते रहूंगी आगे आने वाले समय में। ये आपको क्यों करना है स्टूडेंट्स, इसीलिए करना है क्योंकि फिक्शन पढ़ने का मजा बहुत अच्छा होता है, अच्छा लगता है कोई स्टोरी पढ़ के, हम उस कैरेक्टर को लिव करने लगते हैं, लेकिन उससे आपकी लाइफ में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, आपकी पर्सनालिटी कितनी डेवलप होगी, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव हो जाएगी, अच्छी अच्छी वोकैबुलरी आपके सामने आएगी, लेकिन आपकी लाइफ में कितना चेंजेस आएंगे वो क्वेश्चन मार्क होता है। लेकिन ये सेल्फ हेल्प की बुक जो है आप इनको पढ़ने की हैबिट अभी डेवलप कर लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी ये हैबिट डेवलप करी हुई है और आपने कोई बहुत अच्छी बुक्स पढ़ी हुई है तो वो हमारे साथ शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल जाए, बच्चों को क्या बड़ों को भी। आई एम ऑल्सो द वन हु लव टू गेट द रिकमेंडेशन फ्रॉम द अदर पीपल। अगर किसी की कोई पढ़ी हुई बुक होती है और कोई मुझे सजेस्ट करता है तो मैं ज़रूर ज़रूर फॉलो करती हूँ कि उस बुक को पढ़ लूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, ज़रूर ज़रूर से आप इन बुक्स को पढ़िए और फिर मेरे साथ शेयर करिए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। बाय, हैव अ ग्रेट डे।